पंजाब की बात का कारवां कल लुधियाना पहुंचा था, वो आपको दिखाते हैं कल क्या कुछ हुआ जब नेताओं से सवाल पूछे गए जनता की तरफ से, और हमारे एडिटर दिनेश शर्मा ने भी सवाल पूछे तो कैसे कैसे जवाब मिले। हीरा सिंह जी, एक बड़ा काम जो मेट्रो की बात हो रही थी कि मेट्रो यहाँ पर लुधियाने में आई थी, लेकिन मेट्रो की सिर्फ बात हुई, मेट्रो आई नहीं। नहीं, मेट्रो कंपनी को बुलाया गया था, मेट्रो कंपनी ने यहाँ सर्वे भी किया है। सर्वे करने से बात पता चला कि लोगों के बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाना था, लोगों के मकान जो ढह जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिले कर दिया। मेट्रो जरा अपना प्रोजेक्ट है वो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा डिले जरूर रहा, वो नहीं पाया, इसीलिए बहाना। नहीं, बहाना कोई नहीं है, डिले है क्योंकि अभी इलेक्शन आ गई है, वो सभी लोगों के मकानों का नुकसान होना था, रोड खुली करनी पड़ी थी और बहुत कुछ करना पड़ा था। हमने जेडी मेट्रो रोड के बजाय जो हमारे चंडीगढ़ रोड से जमालपुर के ऊपर से एलिवेटर रोड लेके हम इधर ले आ रहे हैं तो वो भी ऐसे ही काम करेगी। तो हमारे देखो, चाहे ऑटो रिंग रोड है, चाहे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये लुधियाने में आए हैं। आप देखो ना, ये फास्ट फूड प्रोजेक्ट है, ये लोडूवाल में आया है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे लुधियाने में बड़े बड़े हमारा फोकल पॉइंट नया बनाया है और इतने बड़े प्रोजेक्ट लुधियाने में, तमाम विकास के काम आप गिना रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल उठता रहा है, ना सिर्फ ये कहा जाए लुधियाना बल्कि पूरे पंजाब में। पंजाब एक सीमावर्ती प्रांत है जी। पंजाब के लोग पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। आप अगर पंजाब का इतिहास देखेंगे जी। सन 48 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो और रिसेंटली कारगिल युद्ध हो, पंजाब पिछले 5 साल की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस पर सवाल उठते हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती का सामना पंजाब सरकार कर रही है, पंजाब के लोग कर रहे हैं और पूरी सक्षमता के साथ अब तक इस सूबे में जो मंसूबे थे आतंकवादी लोगों के कि हिंदू सिख भाईचारक सांझ को तोड़ा जाए, इनको लड़ाया जाए, उसमें कामयाब नहीं होने दिया हमारे मुख्यमंत्री शाह प्रकाश सिंह बादल के योग्य नेतृत्व में। और कानून व्यवस्था अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे अन्य राज्यों के साथ तो निश्चित पंजाब में बेहतर है। रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है पंजाब में और राज्यों से बेहतर है। बिल्कुल, इट इज सर्टिफाइड फैक्ट। मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता कुलदीप जी। विकास हुआ लुधियाना का पिछले 5 साल में, कानून व्यवस्था और राज्यों से बेहतर है, क्या आप सहमत हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये जो विकास की बात हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रही है। अगर कहीं आप किसी ब्रिज के ऊपर पेंट कर दो, इससे खूबसूरती नहीं आती। ये करने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हो, उसका तो बहुत ही बाकी स्टेट से बुरा हाल है। मैं नाम लेता हूँ, बीजेपी के लीडर मिस्टर गगनेजा का मर्डर हुआ, ASI जिसकी लड़की को छेड़ा गया अमृतसर में, तरन तारण में उसका मर्डर हुआ, एंड माता चांद कौर जो नामधारी सेक्ट के हेड थे उनका मर्डर हुआ, एक भी उनका जो व्यक्ति है वो पकड़ा नहीं गया। हमारे लोगों के पास वीडियो है। विकास के जो दावे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, बताता हूँ वो क्या सही है। विकास के दावे हैं, नालियां बनाना, सड़कें बनाना, कहीं कंक्रीट की सड़क बना देना पिंडों में, मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ। ये तो हर सरकार का काम है, रादर ड्यूटी है सरकार की, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है कि हमने सड़कें बना दीजिए, नालियां बना दीजिए। सही मायने में आपके अनुसार विकास क्या है? सरकारों के काम होते हैं, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव, लेकिन मौजूदा सरकार कहती है अगर शिक्षा का स्तर जो है वो पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार में वो स्तर बड़ा है सरकारी स्कूलों के। आपको फिगर बताता हूँ, एक ही फिगर बताता हूँ, 35,000 बच्चों का सेंट्रल गवर्नमेंट से शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों का स्कॉलरशिप आया, वो इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, वो ग्रांट वापस चलेगी। ये एजुकेशन है हमारी, शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों का स्कॉलरशिप आया, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, वो ग्रांट वापस चलेगी। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है। हमारी किसानी देख लो कहाँ चली गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी फिगर नहीं है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टडी की हुआ है कि 150 पंजाब के नीचे रेजरवायर्स हैं एंड 90 रेजरवायर्स क्रिटिकल हैं। क्या किया? ये डेवलपमेंट होती है, ये सड़क के ऊपर PC डाल दी, नाली बना दी, मैं इसको डेवलपमेंट, ये तो हर सरकार का काम है, हमने भी पहले किया बाद में भी करेंगे।
हमारे साथ सुखप्रीत सिंह हैं अपना पंजाब पार्टी से। आप बताइए, जो विकास के जो दावे हैं वो क्या सही है? ये जो अकाली दल और बीजेपी की सरकार विकास के दावे कर रही है, ये बिल्कुल गलत हैं। मैं अपने हलके की बात करता हूँ तो मैंने ऐसे कई गांव विजिट किए जो बेसिक सहूलतें हैं, जैसे बिजली पानी, उनसे भी अभी बिल्कुल वो वंचित हैं। हम यूपी और बिहार को पछड़ा राज मानते हैं, लेकिन मैं आपको अपने पंजाब के गिल हलके की ये उदाहरण बता रहा हूँ कि इसमें भी कई ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक जो मुढ़ली सहूलतें हैं उनसे लोग वंचित हैं। पंजाब की बात लेकर हमारी टीम जो है लगातार, हमने जो ये सफ़र किया शुरू किया है, इसको लगातार पूरे पंजाब में हम ले जाएंगे। पूरे पंजाब में ना सिर्फ नेताओं की बात बल्कि जनता की बात सच के साथ, सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ आपके सामने लाते रहेंगे। और पूरे पंजाब में जो है हमारी टीम जाएगी और ना सिर्फ नेताओं की बात, जैसे मैं कह रहा हूँ नेताओं की बात, बल्कि जो आपके जो नुमाइंदे हैं और जो जनता की आवाज़ है, जनता के जो मुद्दे हैं, इशूज़ हैं, उनको ग्राउंड ज़ीरो से इसी तरह से मैं और मेरी टीम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि एक सच्चा, ये कहा जाए कि निष्पक्ष सच्चा जो व्यू है वो आपके सामने हम रख सकें, आपके सामने ला सकें, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पूरी मेरी टीम के साथ आप सबका धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग सच के साथ, सच्चाई के साथ, सार्थक बात आपके सामने लगातार लाते